Hey food fam, welcome back to our channel Wandering Brush by YTM। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल जगह पे लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जगह जो है ना वो देख के आप समझ जाओगे कि हमें एक्चुअली मैं कहाँ पे आई हूँ। एड्रेस मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, बट पहले मैं आप लोगों को जगह दिखा देती हूँ। सो आ जाओ। सो आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी फार्म है एंड यहाँ फुल ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी उगाया जाता है एंड यहाँ से भी सेल भी होता है। अगर आप भी मेरे तरह ही स्ट्रॉबेरी लवर हो ना, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक बार तो आना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी तो स्ट्रॉबेरी का एंड सीज़न चल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतना सारा स्ट्रॉबेरीज है कि आप खुद आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप अपने हाथों से स्ट्रॉबेरीज तोड़ के भी खा सकते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रॉबेरीज का अभी भी फ्लावरिंग आया हुआ है एंड कुछ स्ट्रॉबेरीज अभी हो रहे धीरे धीरे। एंड यहाँ इतने बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज आपको दिख जाएंगे, इतने बड़े साइज के स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे। मैंने ये स्ट्रॉबेरी खुद ट्राई किया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा मीठा है। एक और मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके भी बताऊँगी जो मैं अपने हाथों से तोड़ूँगी। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना सारा, कितने बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज निकाले, ये अंकल ने हमारे लिए निकाल के रखा था, इतने बड़े साइज़ के स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। कुछ स्ट्रॉबेरी मैं भी निकालती हूँ। वाओ, देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे, इतने ही बड़े साइज़ के यहाँ पे पूरे, आप लोग जितना दूर तक देख सकते हैं ना, पूरे जगह पे इतना ही बड़े बड़े साइज़ के स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे है। मैं अभी आप लोगों को ना एक स्ट्रॉबेरी खुद तोड़ के खा के दिखाऊंगी कि कितना है। ये वाला तोड़े या कुछ थोड़ा और रेड वाला तोड़े, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, या ये वाला तोड़ते हैं। आप साइज़ देख रहे हो उसका, कितना बड़ा है। अरे ये ना फुल शाइन कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि डल है इसका कलर या फिर ऐसा कुछ, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है, ये पूरा का पूरा गोबर सार के ऊपर डिपेंड करके पूरा फार्म बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुदीना का है, और उधर उस साइड में लहसुन लगाया हुआ है, कैबेजेस लगाए हुए एंड साथ में फूलगोभी भी लगाई हुई है। मैं अभी ना ये वाला आपको खा के दिखाती हूँ कैसा है। आप लोग देख सकते हैं अंदर कितना ज़्यादा जूस है, ये फ्रूट ऑर्गेनिक है तभी इतना ज़्यादा जूसी है, ये बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा। अगर आप खुद अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी तोड़ के खाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे रेट जो है वो 600 रुपया किलो है स्ट्रॉबेरीज का, एंड ये इतने बड़े साइज़ में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अभी फरवरी मंथ में, ये सीज़न एंड है इसके वजह से फरवरी मंथ में अभी थोड़ा सा मिल रहा है, बट मार्च तक ये रहेगा एंड मार्च के बाद और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी रही, तो ये लोग शायद शिफ्ट कर जाएंगे किसी दूसरे वेजिटेबल्स में। तो अगर आपको फ्रूट्स के अलावा भी कुछ और भी दूसरा वेजिटेबल्स ट्राई करना है यहाँ के ऑर्गेनिक, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पुदीना, धनिया और ये सब है, ये जो रेडी हो रहा है जून जुलाई के लिए, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं यहाँ पे आके। और ये पूरा फार्म ऑर्गेनिक है, सो जितने भी यहाँ पे वेजिटेबल्स और सब कुछ लगाया जाएगा वो सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, तो आप लोग बेझिझक आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सब कुछ ना। हम लोग जा रहे थोड़ा गाजर निकालने,
ये अंकल हमारे लिए थोड़ा गाजर निकाल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। वाओ, यहाँ पे सब पूरा गाजर का लगाया हुआ है, सब आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गाजर निकला हुआ है, यहाँ पे भी गाजर है। ये पूरा का पूरा गाजर का है, तो इतने बड़े बड़े गाजर, इतने मोटे मोटे गाजर निकाला अंकल ने। ये ब्लैक मस्टर्ड का है। अभी मैं जा रही हूँ एक गाजर उठाने। कितना बड़ा है, और अंकल बोल रहे थे कि इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये अभी भी बहुत छोटा है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे पूरा गाजर का है, कुछ कुछ गाजर तो निकला हुआ है खुद से ही। यहाँ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं कैबेज के, अभी भी छोटे छोटे हैं कैबेज। इधर भी पुदीना, सरसों का खेत। बेसिकली फार्म के चारों तरफ बस सरसों ही दिख रहे हैं मुझे, चारों तरफ सरसों लगाया हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ को ना प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ग्लास में देना पड़ता है, नहीं तो बर्ड्स आके खा जाते। सो मैं अभी आप लोगों को एड्रेस बता देती हूँ। ये है माटीगाड़ा प्रोतिराम ज्योत कॉलोनी, और ये है मातृ छाया के एकदम बगल में शौरकर फार्म इसका नाम है। तो आप लोग यहाँ पे मातृ छाया तक आके पूछ सकते हैं किसी से कि शौरकर फार्म कहाँ पे है, वो लोग आपको दिखा देंगे। ये स्ट्रॉबेरी फार्म के नाम से ही जाना जाता है यहाँ पे। सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वंडरिंग ब्रज बाय YTM। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।